सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले है जनरल ड्यूटी यूनिफॉर्म। ये एक तरह की फॉर्मल ड्रेस होती है और ये विंटर और समर दोनों सीजन्स के लिए अलग अलग होती है। विंटर सीजन में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स पीच कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की टाई और एक ऑलिव ग्रीन कलर का ब्लेजर पहनते हैं, वो भी बैरे के साथ, और इसे ड्रेस 5SD भी कहा जाता है। और समर सीजन्स में इस जनरल ड्यूटी यूनिफॉर्म में मोस्ट पॉपुलर ऑलिव ग्रीन कलर की स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पहनी जाती है। इस समर सीजन वाली ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म को सबसे पहले 2005 में अपनाया गया था, जब इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का कलर खाकी से ऑलिव ग्रीन किया गया था, ताकि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अगली है ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म। ये विंटर सीजन में पहने जाने वाली सेरेमोनियल यूनिफॉर्म का एक ड्रेस कोड है और इसे बंद गले वाले कोट के साथ पहना जाता है। और ये यूनिफॉर्म आर्मर कोर ऑफिसर्स के लिए बाकी के ऑफिसर्स की तुलना में थोड़ी अलग होती है, क्योंकि अदर ऑफिसर्स की ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म में शोल्डर पिप्स को कोट के ऊपर रैंक के साथ ही सिला जाता है, और जबकि आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स अपनी ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म में रैंक के साथ एक चेन मेल को भी पहनते हैं, जो कि शोल्डर से कनेक्ट होती है। और इस ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म को विंटर सीजन में मैच ड्रेस और फॉर्मल ड्रेस के तौर पर भी पहना जाता है। अगली है कोड 6 यूनिफॉर्म। ये इंडियन आर्मी की एक मैस यूनिफॉर्म है और ये भी विंटर और समर दोनों सीजन्स के लिए अलग अलग होती है। विंटर सीजन्स में पहने जाने वाली कोड 6 यूनिफॉर्म को 6A यानी कि 6 अल्फा के नाम से जाना जाता है, और ये एक व्हाइट कलर की मैस फॉर्मल ड्रेस होती है जो लगभग ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म की तरह दिखती है, और इसे व्हाइट कोट और ब्लैक ट्राउजर के साथ पहना जाता है। और वहीं समर सीजन्स में पहने जाने वाली कोड 6 यूनिफॉर्म को 6B यानी कि 6 ब्रावो के नाम से जाना जाता है। और समर सीजन्स की कोड 6 यूनिफॉर्म में एक कमरबंद को भी पहना जाता है, और उसका कलर अलग अलग रेजिमेंट्स के हिसाब से होता है। अगली है सेरेमोनियल यूनिफॉर्म। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये खास तरह की यूनिफॉर्म है जिसे गार्ड ऑफ ऑनर, रैथलिंग और मिलिट्री फ्यूनरल जैसे कुछ खास तरह के मिलिट्री सेरेमोनियल ओकेजंस में पहना जाता है। और इस यूनिफॉर्म में गले में स्कार्फ, एक कमरबंद, मेडल्स और डेकोरेशंस को पहना जाता है। अगली है कॉम्बैट यूनिफॉर्म। ये इंडियन आर्मी की एक स्टैंडर्ड फील्ड यूनिफॉर्म है। ये एक डिसरप्टिव पैटर्न वाली यूनिफॉर्म है जिसमें फॉरेस्ट कैमोफ्लाज का पैटर्न बना होता है, और इस यूनिफॉर्म को जंगल ड्रेस भी कहते हैं। और विंटर सीजन में इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म के ऊपर एक स्वेटर या फिर जैकेट को पहना जाता है, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ शोल्डर पर मेटल वाली रैंक को नहीं पहना जाता है, बल्कि इस यूनिफॉर्म में रैंक को शोल्डर पर एक कपड़े के फ्लैप के ऊपर लगाया जाता है। वॉर या फिर एक्सरसाइज के दौरान इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर बेसिक्स, रैंक और नेम के अलावा कोई और डेकोरेशन को नहीं पहना जाता है, और केवल पीस टाइम के दौरान ही इस यूनिफॉर्म पर अदर डेकोरेशंस यानी कि अदर बैजेस को पहना जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।